अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगी। आज हम लैंग्वेज पॉइंट नंबर 2 सीखते हैं, जो कि है एक्सप्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट नंबर्स 1, यानी कि कोई अंदाजन कोई नंबर बताना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ER, या फिर लियांग सन, या फिर सन्स, या फिर वु ल्यू, या फिर छी पा, या और पा च्यो वगैरह वगैरह। जैसे हम अब अपनी उर्दू में भी आमतौर पर ऐसे कहते हैं, एक दो लड़के, दो तीन किताबें, तीन चार पेन वगैरह वगैरह, इस तरह से हम बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सादा लैंग्वेज पॉइंट है, लेकिन इसको भी आपको तवज्जो के साथ देखना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी लर्निंग होगी, कि एक सिंपल सा लैंग्वेज पॉइंट भी हम सीख लेंगे और प्रैक्टिस के कुछ सेंटेंसेस भी हम देख लेंगे, जिससे हमारी ग्रिप और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पहले नंबर पे जो एग्जांपल दी गई है वो है वो मेथेन श्वेशी ई लियांग शाओ शि हान यू, कि मैं हर रोज़ एक दो घंटे चाइनीज़ लैंग्वेज सीखता हूँ। आपको भी चाहिए कि हर रोज़ कम से कम एक दो घंटे चाइनीज़ लैंग्वेज ज़रूर सीखें, मुअस्सर स्टडी के लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और वो जो एक दो घंटे हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज ही सीखनी है। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी शुरू की, 10-15 मिनट पढ़ा, उसके बाद हम गैर इरादी तौर पे कोई दूसरी एक्टिविटी में बिजी हो गए, हम ऐसे ही मोबाइल देखने लगे, किसी के साथ चैट की 5-10-15-20 मिनट, हमें लगता है कि हमने 5-10-15-20 मिनट की, लेकिन हम आधा घंटा या इससे भी ज़्यादा टाइम ज़ाया कर चुके होते हैं। ऐसे जब हम वक्फे से पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं हमने 2-3 घंटे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ी है, लेकिन हकीकत में हमने सिर्फ आधा पौना घंटा ही पढ़ी होती है। लेकिन अगर आप वाकई में डेली 1-2 घंटे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ते हैं और फ्रेश माइंड के साथ पढ़ते हैं, तो ये इनफ है, बहुत ही अच्छी स्टडी होनी चाहिए। वो सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी है नी तो खला संस बे खाफेला, कि तुमने 3-4 कप कॉफ़ी के पी लिए हैं बेजाय खला, और ना पियो, 3-4 कप कॉफ़ी के पी लिए हैं, इससे ज़्यादा वाकई में कॉफ़ी आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। दिन भर में 3-4 कप भी बहुत ज़्यादा है, और इससे भी ज़्यादा अगर आप पियेंगे तो ये गलत बात है, आपको इतनी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। नंबर 3 पे एग्जांपल लिखी हुई है सोंग शाओली चा ताओ कुंग से, यानी कि शाओली के घर से कंपनी तक 6-6.5 जो नंगता हो साइकिल पे 7-8 मिनट में पहुंच सकते हैं। 6.5 7-8 मिनट में, यानी कि हमने अंदाजन बताना है, 3-4 कप हो गए, 1-2 घंटे हो गए, 7-8 मिनट हो गए वगैरह वगैरह। नंबर 4 पे ये हमारे टेक्स्ट में से ली गई है, स्टैंडर्ड बुक के इस लेसन में से ली गई है, श्वेशाओ ली बियन दा, श्वेशाओ ली बियन भी श्वेशाओ वाई बियन फंग बियन, यानी कि स्कूल के जो अंदर वाला है वो स्कूल के बाहर वाले से ज़्यादा कन्वीनियंट है। किस हवाले से कन्वीनियंट है? यहाँ पे बात हो रही थी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, कि अगर कहीं आना जाना हो, सफ़र करना हो, तो फूचिन यो संस का छचन, तो करीब ही 3-4 बस स्टेशन हैं। वाकई में अगर किसी घर के पास 3-4 बस स्टेशन है, तो वाकई वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। और आपको याद होगा ये यहाँ पे जो घर देखने जाता है तो स्कूल के अंदर वाला, स्कूल के बाहर वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा खामोश है वगैरह वगैरह, ये एक दफ़ा स्टूडेंट्स को घुमा देता है। लेकिन आपको चाहिए कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इस लैंग्वेज पॉइंट को किसी भी तरह से आप मिस ना करें। यहाँ पे हमने खाली जगह पूरी करनी थी, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखी है, पहले से ही आपके लिए काम बड़ा आसान कर दिया है, लेकिन आपको फिर भी चाहिए कि हर दफ़ा ये वीडियो लेसन देखने से पहले आप खुद भी खाली जगह पूरी करें, आप देखें कि जो आपने लिखा है और जो मैंने लिखा है उसमें क्या फ़र्क है। डेफिनेटली वो बिल्कुल एक जैसे तो नहीं होगा, लेकिन आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा जो आपने लिखा है वो दुरुस्त है या नहीं। पहले नंबर पे मैंने ये लिखा है चेलियां से शिंच, ये वाला मैंने नहीं लिखा, आगे वाला मैंने लिखा है 6-5 छः, यानी कि 7-8 हज़ार की है,
ये जो साइकिल है ये 7-8 हज़ार की है। सेकंड नंबर पे है चिंध्यादा सो ये आज का होमवर्क वह ई लियांग शाउश चो नंग सो वान मैं 1-2 घंटों में कंप्लीट कर लूँगा। आज का होमवर्क मैं 1-2 घंटों में कंप्लीट कर लूँगा। वह यो 3-4 条黑色的裤子मेरे पास 3-4 ब्लैक कलर की पैंट्स हैं। मेरे पास ब्लैक कलर की पैंट्स 3-4 हैं। ब्लैक कलर होता ही ऐसा है, अक्सर हमारे पास एक से ज़्यादा पैंट्स होती ही हैं। एक ब्लैक और एक ब्लू जीन्स हमारे पास अक्सर घर में पता भी नहीं चलता तो 3-4 पैंट्स मौजूद होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला लैंग्वेज पॉइंट आपको आसान भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।